गाइस वंस अगेन वेलकम टू द सेशन। मैं हूं आपका एजुकेटर मिस्टर वीरेंद्र सिंह। तो जी हां, इस पर्टिकुलरली वीडियो में कुछ बात करने वाले हैं। बातचीत कुछ इस तरीके से है कि CSIR, कई लोगों ने CSIR को मेल किया है और उस मेल के थ्रू रिप्लाई भी आया है। ऐसा माना जा रहा है कई लोग जो है फॉर्म की अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। भाई साहब, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप, किस हिसाब से चल रहा है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर बच्चे किस हिसाब से सर्टेन रहे। क्या ये है फ्यूचर सिक्योरिटी, क्या ये है पर्टिकुलरली सर्टेनिटी? किस हिसाब से जो है हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया पहले ऐसा होता था कि सितंबर, पहले जो ऐसा होता था जून दिसंबर इंसान के मन में फिक्स होता था, उसी के हिसाब से बैचेस बनते थे, उसी के हिसाब से कोचिंग चलती थी, उसी के हिसाब से प्रेपरेशन होती थी और 6 महीने में कई लोग CSIR क्रैक करते थे। अभी तो कोई भरोसा ही नहीं है। कब हो जाएगा CSIR का एग्ज़ाम? अप्रैल में होगा। कल को कह देंगे अप्रैल में नहीं होगा, कल को जून में होगा, कल को पूरे साल में। अब कोई महीना फिक्स ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम हो सकते हैं। इस तरीके की अनसर्टेनिटी जो है इस फील्ड में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डुबा देगी। जो यंग माइंड्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस देश के लिए, आखिर उनका भविष्य किस तरफ लेके जा रहा है? ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी चीज़ें हैं, आखिर क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल जो मेरे माइंड में अराइज हुआ है इन सब चीज़ों को देखते हुए कि व्हाट इज़ द थिंग्स, लाइक हम क्या करें, अब किस हिसाब से तैयारी करें? अप्रैल के हिसाब से, मई के हिसाब से, मार्च के हिसाब से, या हम आगे की तैयारी करें? अगर जो लोग आगे सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, किस चीज़ को गोल बनाएं, किस चीज़ को सेट करें? ये जो अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। इससे एजुकेटर, टीचर, प्लेटफॉर्म्स, उन सभी पे प्रेशर तो आता ही कि वो किस हिसाब से पढ़ाएं। इन सब के अलावा बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर आता है, वो किस हिसाब से पढ़े, वो गोल क्या सेट करें, या बस पढ़ते रहो, जब मन किया तब एग्ज़ाम हो जाएगा। ये एक प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है, जैसे UPSC थे, IIT थे, नीट थे, उसके अलावा जो है CSIR वन ऑफ द अच्छे एग्ज़ाम्स में से आता था। इसको क्या एकदम ग्रुप डी के एग्ज़ाम जैसा बना दिया है, जब मन करे तब एग्ज़ाम हो रहा है और जब मन करे तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो भी है, जैसे भी है, अगर ये एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिनारियो, बट हाँ, अगर ये एग्ज़ाम जो है अप्रैल में हो रहा है, तो ये रिक्वेस्ट है हमारे लर्नर से कि आप लोग उसी के हिसाब से अपने गोल को सेट करें और टारगेट करें, ठीक है? ये सोर्सेज जहाँ से भी जो आपको पता चल रहे हैं, मे बी करेक्ट भी हो सकते हैं, मे बी इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। मैं 110% श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता कि वो सही ही हैं, बट लेकिन अगर सही है तो जो है हो सकता है कि आप अप्रैल में एग्ज़ाम दें और अप्रैल के बाद फिर कौन सी साइकिल चलेगी भगवान जाने, बट स्टिल अप्रैल को गोल करते हुए भाई उसके दे दो। अगला भरोसा नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है? जी जान लगा दो, अच्छे से जी जान लगा दो और फोड़ दो CSIR को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है उस अपॉर्चुनिटी को अपने दोनों हाथों से लपकने का, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने उसको छोड़ा जहाँ, फिर गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी हुई तो फिर दिक्कत आपको होगी, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलने वाला। तो मैं आपसे यही बात कहने वाला हूँ कि आप जो है अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी, अपने गोल को सेट करके प्रॉपरली लग जाइए और क्रैक करके दिखाइए CSIR को। अगर आप कोई किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द